नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के एक नया चैप्टर के बारे में, जिसके हमने 16 चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने घन घन आपको पढ़ लिया था, क्यूब और क्यूबॉइड को पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में, कि यहाँ पे सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज एक फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी ने भी घन घनाभ या क्यूब क्यूबॉइड ढंग से नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस क्लास को जाके चेक कर सकता है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास टेंथ आरबीएससी राजस्थान बोर्ड को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको कवर करवा रहा हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, आज हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर है दोस्तों 16 वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 16 वाला चैप्टर है। और इसके अंदर अगर आप देखें सरफेस एंड वॉल्यूम में, तो आज हम पढ़ रहे हैं सरफेस सिलेंडर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? घन घन आपको पढ़ लिया था, क्यूब क्यूबॉइड के बारे में सारी बात कर ली थी, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, एग्जांपल्स भी कर लिए थे, और सारी की सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए यहाँ पे सिलेंडर को हम यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं आज, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, कैसे इसको कैसे देखते हैं, सिलेंडर होता क्या है, उसका यहाँ पे टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, या बात करूं मैं कर्व्ड सर्फेस एरिया क्या होता है। तो देखते हैं सिलेंडर क्या है। अगर यहाँ पे सिलेंडर के मैं यहाँ पे शेप की बात करूँ, तो इस तरीके से आपको सिलेंडर का शेप मिलता है दोस्तों। ऊपर एक सर्कल बना होता है, यहाँ पे बीच में हाइट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक और सर्कल होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या बन गया दोस्तों, ये आपका एच है, और ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, रेडियस है, आर है, और ये भी क्या है आपकी, क्या है, रेडियस है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये दोनों पार्ट तो क्या हो गए आपके, आर आर हो गए, और ये वाला जो पार्ट है क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करूं, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। अगर इस वाले पार्ट को मैं ओपन करता हूं, ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, एक कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप कोई पेपर ले लें और पेपर को समझे, अगर उसको वापस ओपन करें, तो क्या बन जाएगा, वो एक तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल में ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको अगर आप ओपन करेंगे वापस से, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका परिधि होगा, वृत्त की परिधि होगा, या मैं बात करूं 2πr होगा, सर्कमफेरेंस होगा। तो ये वाला पार्ट तो आपका क्या हो गया दोस्तों, 2πr हो गया, और ये वाला जो पार्ट आपका क्या हो गया, वो एच हो गया। इसका मतलब क्या आ गया दोस्तों आपका, अगर मैं बात करूं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका, 2πrh हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिंपली आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, 2πr into h, मतलब क्या हो गया आपका, 2πrh। बस कॉन्सेप्ट को समझना है, 2πrh आया कहां से, उस बात को आपको देखना है, किस तरीके से बोला, 2πr को h के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, 2πrh बन जाएगा। इसीलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, 2πrh होता है। या मैं बात करूं वक्र पृष्ठ, या मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया का, जो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πrh होता है। इसको जानना है हमें, इसको समझना है कि किस तरीके से आया। आपको 2πr को h को h से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आप रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल आप वक्र पृष्ठ को रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको आप काटेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, कि रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, यहाँ पे एल इंटू बी होता है एरिया, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 2πrh हो जाएगा। इसको एक पेपर की मदद से समझते हैं, किस तरीके से समझेंगे, देखिएगा। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे पेपर दिया हुआ है, ये पेपर है आपका, ये वाला पार्ट है। अगर इसको मैं रोल करता हूँ, अगर इसको मैं इस तरीके से रोल कर देता हूँ, देखिए, अगर मैं इसको रोल कर दूं, तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है सिलेंडर बन चुका है। अब ये सिलेंडर के अंदर आप देखिए, पूरा का पूरा पार्ट जो है केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही आ रहा है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ही आ रहा है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो ओपन है, ये वाला पार्ट जो है वो भी ओपन है। अगर मैं इसको वापस से ओपन करूंगा दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा है सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर वाला पार्ट है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, तो क्या बन जाएगा, ऐसा कैसा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा। और जैसे ये रेक्टेंगल बनेगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने इसको ये पूरा का पूरा रोल किया हुआ है इस तरीके से, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या है हमारा, सर्कल है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 2πr वाला जो पार्ट है, ये अपनी क्या आ जाएगी, वृत्त की परिधि आ जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये क्या होगा, 2πr होगा। और अगर हाइट की बात करूँ, तो हाइट तो यही रहने वाली है, हाइट ये वाला पार्ट ही रहने वाला है। कैसे रहेगा देखिए, अगर इस सिलेंडर को मैं इस तरीके से वापस से करता हूँ, तो आप इसको रोल करके घुमा के सिलेंडर बनाते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, एच है। इस तरीके से हमें फॉर्मूले को याद करना है, इसे नहीं करना, रटना नहीं है हमें कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है हमारा 2πrh। आपने उसको रट लिया, आपने उसको समझा ही नहीं, तो आप कभी भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इजीली हर चीज को समझना है, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना पड़ेगा। किस तरीके से 2πrh आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे सीएसए ऑफ सिलेंडर को किस तरीके से देखते हैं, कैसे हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, टोटल सर्फेस जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो टीएसए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो ये पार्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इसको देखते हैं, अप्रोच क्या रहेगी आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिलेंडर पूरा मैंने वापस से बना दिया, ये वाला पार्ट, ये सिलेंडर है हमारा, ये देखिए ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या हो गया, अगर आपको बोला गया कि टीएसए निकालना है, मतलब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अभी तक तो आप क्या निकाल रहे थे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, मतलब क्या निकाल रहे थे, सीएसए आपने निकाल लिया। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने लिख दिया, सीधा सीधा आपने बोल दिया क्या हो गया मेरा, 2πRH हो गया, क्या हो गया, 2πRH हो गया। लेकिन अगर टीएसए की बात करूं तो वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं हिंदी में भी बोलता जा रहा हूँ, हिंदी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं, लेकिन बोलता जरूर जा रहा हूँ कि टीएसए का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सीएसए क्या होता है हमारा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। केवल अभी भी मैंने आपको जो पेपर लेके समझाया तो आपको बताया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो टीएसए कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला तो हमें समझ में भी आ गया, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब टीएसए की बात कर लेते हैं कि टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है। अगर आप बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जो कि पूरा का पूरा पार्ट आपका जो कर्व्ड है, कर्व्ड वाला पार्ट है, वक्र वाला पार्ट है, उसका आपने क्षेत्रफल निकाला, उसका एरिया आपने लिखा। लेकिन टोटल का मतलब हो गया दोस्तों, ये वाला पार्ट भी आपका उसके अंदर इंक्लूड होगा, ये वाला पार्ट भी आपका उसके अंदर इंक्लूड होगा, दोनों साइड से वो क्लोज्ड होगा। जैसे कि आपने देखा होगा घर पे, देखा होगा सिलेंड्रिकल शेप के अंदर आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कैन होता है, वाटर कैन आपने देखा होगा, थम्सअप का कैन देखा होगा, वो ऊपर या नीचे दोनों साइड से क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा क्लोज्ड होता है। तो वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस केस में टोटल सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे सॉल्व होता है वो देखिए, टोटल सर्फेस एरिया कैसे आएगा, यहाँ पे टोटल सर्फेस एरिया आएगा कि 2πRH तो था आपका, 2πRH जो था वो तो क्या था, कर्व्ड सर्फेस एरिया था। लेकिन अब क्या एड ऑन हो जाएगा, इस वाले पार्ट का भी क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का, इस सर्कल का भी एरिया और इस वाले सर्कल का भी एरिया, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πR स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इस वाले पार्ट का भी पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या बन गया ये, 2πR स्क्वायर हो गया। तो 2πR को आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, केवल यहाँ पे रह जाएगा H प्लस R रह जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों आपका क्या हो गया, टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब इसको वापस से पेपर की मदद से समझते हैं कैसे यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया आया। तो देखिए ये सिलेंड्रिकल पार्ट था जिसमें मैंने बोला आपको कि यहाँ पे क्या आया था, कर्व्ड सरफेस एरिया था जो क्या था मेरा, 2πRH था। लेकिन अब क्या करना है, ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करना है और ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करना है। तो कितने सर्कल हो गए दोस्तों, पहला सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एरिया इसका, 2πR स्क्वायर लिख दिया, πR स्क्वायर प्लस πR स्क्वायर क्या बन गया, 2πR स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है। कैसे लिखते हैं हम उसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को, या तो सीएसए प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐड करना ही करना है, ये वाला पार्ट तो ऐड करना ही करना है, साथ में क्या करना है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल भी ऐड करना है, और कितने से करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एओसी का मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल लिख रहा हूं मैं, या मैं बोलूं वृत्त का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर आएगा, तब आप बोलेंगे कि टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 2πRH प्लस R। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली किसी भी चीजों को समझेंगे, अगर आप रियल लाइफ के साथ इसको रिलेट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा यहाँ पे ये दोनों पार्ट हो गए, तो सीएसए क्या था हमारा, सीएसए 2πRH था, वही चीज हो जाएगी, प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इसको कॉमन लेंगे वापस से यही पार्ट बन जाएगा। मतलब आपको समझना है कैसे आपको समझ में आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहां तक आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा हमारा। तो वॉल्यूम को अगर देखें दोस्तों तो क्या होगा हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वापस से सिलेंडर का डायग्राम बना रहा हूं, वॉल्यूम क्या होगा उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये वाली जो पार्ट है हमारा वो क्या है, हाइट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, रेडियस है, ये वाला भी क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे ये दोनों पार्ट क्या हो गए मेरे, πR² का होता है और 2πRH क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, या मैं बोलूं कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2πRH होता है, ठीक है। अब इसको और समझते हैं थोड़ा सा, थोड़ा और इसको देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम
होता क्या है बेसिकली, पहले आप आयतन को समझते हैं कि आयतन होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे बेलन के आयतन की या सिलेंडर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो क्या होगा, आयतन क्या होता है, जो भी आपने स्पेस लिया हुआ है, जो भी जगह आपने यहाँ पे बनाई हुई है, जो भी आपका पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, अंदर से खाली है, ठीक है, इसमें कितना वाटर आ सकता है या कोई भी लिक्विड आ सकता है, तो वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया दोस्तों। तो वॉल्यूम किस पे बेस्ड होगा, बेसिकली एक तो एच पे बेस्ड होगा और एक किस पे बेस्ड होगा, नीचे वाला जो है पार्ट उस पे बेस्ड होगा, क्योंकि आपको किसी भी लिक्विड को या वॉल्यूम को आपको रखना है वहां पे, तो क्या होगा, नीचे वाला बेस तो होना ही चाहिए ना। प्रैक्टिकली समझते हैं इस बात को कि अगर मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर आप कोई भी चीज को फिल कर रहे हैं, कोई भी चीज को फिल कर रहे हैं और पूरा इसको फिल करना है आपको, तो नीचे वाले पार्ट को आपने रोक दिया तो ऊपर आपने पूरा इसको फिल कर दिया, तो कितना जगह उसने लिया वही आपका आयतन होता है, वही आपका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैसे देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को देखेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, एच को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, वापस से बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, मेरा पाई आर स्क्वायर है इसका एरिया, ठीक है, और एच मेरी हाइट है, तो पाई आर स्क्वायर के साथ एच हाइट पे कितना वॉल्यूम यहाँ पे बनाया उसने, कितना वॉल्यूम उसके लिए है वहां पे, कितनी जगह उसने ली है, वही मेरा क्या होता है, आयतन होता है, वही मेरा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, इसको और अगर अच्छे से समझना है आपको तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एरिया ऑफ बेस हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दिया जाए, एरिया ऑफ बेस कर दिया जाए और क्या कर दिया जाए साथ में, इनटू आपका क्या कर दिया जाए, हाइट कर दिया जाए, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, आप इस बार के लिए आपका कोन वाला जो पार्ट है, शंकु वाला पार्ट जो है वो क्या कर दिया गया दोस्तों, रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से, आरबीएससी 2021 से, तो आपको 16.3 तो वो डिलीट हो गया है, लेकिन 16.2 पूरा आ रहा है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, साथ के साथ बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आना है सिलेंडर से, इसीलिए मैंने इसका पर्टिकुलरली एक क्लास लिया है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि पूरा किस तरीके से हम सिलेंडर के क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे उसके फॉर्मूले आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है कि होलो सिलेंडर क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट और बचता है हमारा जो कि आरबीसी में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलता है हर बार। तो यहाँ पे आप देखिएगा हमारा जो होलो सिलेंडर का जो यहाँ पे टीएसए की बात करूं, या पहले वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम ऑफ, देखो मैं वॉल्यूम को यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। अब होलो का मतलब क्या होता है, होलो सिलेंडर का मतलब हो गया, होलो मतलब क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा एकदम खोखला, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, होलो सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर की अगर बात करें तो अगर ये वाला केस सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कौन सा वाला, जिसके अंदर एक सिलेंडर के अंदर आपको दूसरा सिलेंडर दिखाई देता है, ये देखिएगा ये वाला पार्ट। अब इसके अंदर देखिए ये वाला सिलेंडर तो है ही, लेकिन साथ में एक और सिलेंडर आपको दिया हुआ है, उसको भी यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है आपका क्या हो गया, ये होलो सिलेंडर की बात करेगा, मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है आपको दिख रहा है और पूरा का पूरा पार्ट क्या है, होलो है, मतलब खाली है, मतलब आप देखेंगे ऊपर वाला पार्ट भी खाली है, नीचे वाला पार्ट भी खाली है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करी जाए दोस्तों तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है इसकी कोई रेडियस है आर टू, और इसकी यहाँ पे पूरे वाले पार्ट पूरा जो रेडियस है वो कितना है, कोई भी मान लीजिए आर वन इसका पूरा है और आर टू ये वाला जो है ये इसका आर टू मान लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास आर टू रेडियस और ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास आर वन रेडियस। तो अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वो क्या होगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, पाई आर वन स्क्वायर एच, तो ये बाहर वाले का जो बड़ा वाला है उसका यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं किसको, छोटे वाले को, तो क्या आ जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर एच, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया मेरा, पाई यहाँ पे एच को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, तो ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों वो क्या हो गया मेरा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। यहाँ पे दो दो सिलेंडर्स आपके पास हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट जो है ये वाला आर टू वाला पार्ट है और एक आर वन वाला पार्ट है। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई इंटू एच आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा क्या है, बड़ा रेडियस कौन सा है, आर वन है और ये वाला आर टू है। अगर यहाँ पे इसकी वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर वन का तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा और R2 का ये वाला वॉल्यूम आएगा, तो दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाएगा होलो सिलेंडर का, और आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टीएसए की बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, होलो सिलेंडर के अंदर क्या बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है,
उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो TSA ऑफ टोटल सर्फेस एरिया में, या बोलू हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ, किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, होलो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो TSA ऑफ होलो सिलेंडर क्या हो जाएगा मेरा, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% हर साल आ रहा है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से आपको समझना है कि TSA ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा। इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए वापस से सिलेंडर का कौन सा, ये वाला पार्ट जो है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ये यहाँ पे इंटरनल वाला अंदर वाला सिलेंडर है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसकी रेडियस मैंने बोली कि R2 है, इस वाले की पूरी की रेडियस कितनी है, R1 है, लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये वाला पार्ट क्या हो गया, R2 हो गया। अगर आपसे बोला गया कि TSA ऑफ होलो सिलेंडर आपको बोला गया तो कैसे इसको देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे TSA का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं आपको कि पूरा का पूरा होलो सिलेंडर ऊपर से भी यहाँ पे क्या है, ऊपर से भी कवर्ड है और नीचे से भी कवर्ड है, तभी तो टोटल सरफेस एरिया आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा 2π, पहले दोनों का क्या निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उनको यहाँ पे एड ऑन कर देते हैं। तो पहले का कितना आ जाएगा, 2π r1h प्लस 2π r2h। और अगर बात करें दोनों के नीचे वाले पार्ट की बात करें, या मैं बात करूं वृत्त की बात करें, सर्कल की बात करें, दोनों के बेस की बात करें, तो उनका क्या होगा, यहाँ पे वो वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 2π, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r1 square। अगर बात करूं बड़े वाले की, और छोटे वाले की भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो क्या होगा, 2π r2 square। तो उसको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं इसकी इसके एरिया की बात करूं तो इसका पूरा एरिया जो है वो हो गया हमारा कितना हो गया, 2π r1 square, और इसका छोटे वाले का पार्ट का जो एरिया है वो कितना हो गया, 2π r2 square। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा दोस्तों, अगर इस पूरे पार्ट में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट नहीं मिल जाएगा अपने को, इसी का तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये सो नो, जो साइड हमारी जो ये वॉल दिख रही है आपको, ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से अगर इसके एरिया को माइनस कर दिया जाए तो क्या ये वाला पार्ट ही नहीं बच जाएगा, ये वाला, ये सो नो, क्या ये वाला पार्ट नहीं चाहिए अपने को, यही तो चाहिए। तो आपको ये इंपॉर्टेंटली समझना है कि यहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे यहाँ पे फॉर्मूले दिखा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, आगे आप जब देखेंगे क्वेश्चंस को तो काफी मदद आपको मिलने वाली है, इसलिए इसको समझ लीजिए। अब इसके अंदर से क्या करेंगे दोस्तों, हम सीधा सीधा यहाँ पे देखिए आप क्या क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले पार्ट में से 2π जो है वो कॉमन आ रहा है, और एच भी आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, r1 plus r2 तो आ ही जाएगा। इस वाले पार्ट में से देखिएगा 2π तो कॉमन है ही, साथ में क्या आ जाएगा, r1 square minus r2 square आपको मिल जाएगा। और अगर आप देखें आगे तो ये आया हमारे पास 2πh, और ये आ गया r1 plus r2, और इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2πr1 a square minus b square, क्या होता है, a minus b a plus b, तो ये हो गया मेरा r1 minus r2, और ये हो जाएगा r1 plus r2। तो ये वाला पार्ट आपने देखा। अब देखें यहाँ पे 2π और 2π को क्या ले लेंगे दोस्तों, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 2π पूरा, और अंदर ये R1 plus R2 को भी आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी R1 plus R2 आपको दिख रहा है, और प्लस के इधर भी आपको R1 plus R2 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा सीधा सीधा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे अंदर जो बचेगा H बचेगा एक तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 minus R2 आ जाएगा, प्लस R1 minus R2 आ जाएगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला ये वाला बनेगा। तो ये आया कहाँ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको देखा, कैसे इसको सॉल्व किया, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया आपको कि TSA और होलो सिलेंडर जो है, टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर जो है वो कैसे आया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पूरा, मैं आपको एक बार पहले से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ स्टार्टिंग से, कि यहाँ पे CSA क्या होता है सिलेंडर का, TSA क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको रिवाइज करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वापस से जाके देख लें, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में ये 100% आएगा, क्योंकि आपका शंकु जो है, कोन जो है, वो इस बार के लिए हटा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया मैंने कि सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का यहाँ पे मैंने बताया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या मैं बात करूं CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। मैंने आपको पेपर की मदद से समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 2πr h, वो मैंने आपको डिस्कस किया। आगे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर, तो 2πr h आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे TSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, उसको मैंने आपको बताया कि TSA ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है, मैंने एक थम्सअप का कैन जो होता है उसकी बात करी, कि उस कैन में ऊपर और नीचे दोनों जो सरफेस होती है, दोनों जो है वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है। तो क्लोज्ड में ही हमें क्या मिलता है,
टीएसए मिलता है, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर में हमने क्या किया, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला, टू पाई आर एच प्लस आर। उसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट मैंने बात करी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, बात करी यहाँ पे बेलन के आयतन की बात करी, तो आयतन क्या हो गया मेरा, आयतन की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे आयतन हो गया। मैंने कहा कि एरिया ऑफ बेस अगर बात करें और साथ में हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर है, जो कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई एच आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, तो आपको वॉल्यूम इसका मिल गया। उसके बाद मैंने बात करी टोटल सर्फेस एरिया की, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो उसके अंदर आपने देखा कि कैसे यहाँ पे टू पाई आर वन प्लस आर टू एच प्लस आर वन माइनस आर टू वाला फॉर्मूला आया, कैसे आया वो पूरी बात एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया, और यहाँ पे आपको सीधा भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, मेरा यही सजेशन रहेगा, एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला रट के ना जाए, सरफेस एरिया वो इन वॉल्यूम में ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे, तो ये सारे पार्ट आपको समझ आ गए होंगे, आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल्स को, सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर वन टू एग्जाम्पल नंबर सिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो फटाफट से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस राजस्थान बोर्ड का यहाँ पे हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।